पर प्रभास की मूवी की डेट पोस्टपोन हो चुकी है, 30 अगस्त हो गई है, तो आपको क्या लगता है वो डर गए अक्षय कुमार से? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मिशन मंगल जो है एक अलग टाइप की मूवी है। वो क्यों डरेंगे, वो तो बहुत बड़े एक्टर है। डर गए ना, बॉलीवुड में कहाँ से वो आएंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ये बॉलीवुड का बिजनेस ही होता है, बट हर कोई अपना प्रॉफिट सोचता है इसके अंदर कि हम मूवी कौन से टाइम पे चलाएं ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो प्रभास का कोई कंपेयर मत, कोई दोनों मूवी से कंपेयर मत करना इसको, वो उसके साथ भी आती है उसके बाद भी आती और साओ हिट जाती है। तो 15 अगस्त को 3 मूवीज रिलीज होने वाली थी, बाटला हाउस, मिशन मंगल और प्रभास की मूवी साहो। तो आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कौन सी मूवी से थी? मिशन मंगल। पर प्रभास की मूवी की डेट पोस्टपोन हो चुकी है, 30 अगस्त हो गई है, तो आपको क्या लगता है वो डर गए अक्षय कुमार से? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मिशन मंगल जो है एक अलग टाइप की मूवी है। साहो, हाँ साहो जो है वो अलग टाइप की मूवी है, तो उन्होंने लगा कि शायद मिशन मंगल उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसमें थोड़ा पीछे किया उन्होंने। तो आपको लगता है कि अक्षय कुमार से डर गए हो? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी दो एक बड़ी मूवी टक्कर करेगी तो फर्क पड़ता है बिजनेस में, तो इसलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने डेट आगे पीछे कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मूवी धमाल मचाने वाली है? बट साहो का जो रिलीज डेट है वो पोस्टपोन हो गया है, वो 30 तारीख को रिलीज होने वाली है, तो आपको क्या लगता है वो अक्षय कुमार से डर गए या प्रभास? वो क्यों डरेंगे, वो तो बहुत बड़े एक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रभास डर गए अक्षय कुमार? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब ये बॉलीवुड का बिजनेस ही होता है, बट हर कोई अपना प्रॉफिट सोचता है इसके अंदर कि हम मूवी कौन से टाइम पे चलाएं ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े, तो ये ऐसा मतलब अच्छा फैसला है उनका कि उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दी, क्योंकि बाटला हाउस आ रही है और ये अक्षय कुमार की फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि इंडिया में कि वो हिट होगी। तो आपको क्या लगता है प्रभास डर गए अक्षय कुमार और जॉनी अब्राहम? डर गए ना, बॉलीवुड में कहाँ से वो आएंगे। नहीं एक्चुअली रियलिटी में अगर देखा जाए तो चैंपियन उसके ही बोलते जो फेस करता है, मतलब अगर देखा जाए अगर मूवी सेम डेट पे रिलीज होना चाहिए, अगर सेम डेट पे रिलीज हो रहा है तो फैन ही बताएगा कि कौन बेस्ट है, और असली चैंपियन उसके ही बोलेगा जिसकी मूवी हिट जाएगी, तो तीनों में से डिफरेंस पता ही चल जाएगा कि कौन बेस्ट है। प्रभास डर गए अक्षय कुमार और जॉनी अब्राहम? नहीं डरने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अक्षय ने भी बोला था यही चीज को सेम, कि जब जॉन की मूवी आ रही थी तो रिसेंटली हम एक इवेंट पे गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी जॉन से ऑलरेडी बात हो चुकी है और हम दोनों अच्छे दोस्त है, तो वी आर बेस्ट फ्रेंड, तो हमें कोई इस डेट से कोई फर्क पड़ता नहीं, उसके अलग जॉनर है, मेरी अलग जॉनर है, मूवी एक ही भारत के ऊपर है, मगर हम दोनों के फैंस अलग अलग है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात प्रभास की, तो प्रभास का कोई कंपेयर मतलब कोई दोनों मूवी से कंपेयर मत करना इसको, वो उसके साथ भी आती है उसके बाद भी आती और साओ हिट जाती, क्योंकि ये अलग जॉनर है, पूरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है, मतलब अक्षय और जॉन की अलग मूवी है, प्रभास एक तरफ है, तो इनसे इन दोनों तीनों फिल्मों को कोई लेना देना नहीं, एक ही डेट पे 15 अगस्त को आती तो प्रभास की फिल्म दोनों फिल्म से हिट जाती। आपने साइको सैया गाना सुना है? साइको सैया गाना अभी तो मैं सुना नहीं है। श्रद्धा और प्रभास की जोड़ी कैसी लगी आपको? बिल्कुल नंबर वन, शानदार गाना मैंने देखा है, हाँ गाना मैंने देखा है। तो आपको कैसी लगी श्रद्धा कपूर और प्रभास की जोड़ी? सबसे अच्छी। आपने गाना देखा है साइको सैया, उसमें डांस कैसे लगा? एकदम मचा वाला था। मचा या दोबारा बोलेंगे? मचा वाला था एकदम, एक्शन करके दिखाएंगे मचा। अच्छा तो आपको गाना बहुत मचाओ लगा, तो आपको क्या लगता है श्रद्धा कैसी लग रही थी मूवी में, प्रभास कैसे लग रही? हॉट एकदम सेक्सी। साइको सैया सॉन्ग सुना है? हाँ साइको सैया सॉन्ग सुना है, उसका ट्यून्स मुझे बहुत अच्छा लगा। साइको आई एम नॉट साइको। तो आपको एक्शन कैसा लगा साहो का? साहो का एक्शन एकदम मस्त है। आपको लगता है बाहुबली को भी टक्कर दे पाएगी साहो? शायद हो सकता है टक्कर दे पाए। आपको कैसा लगता है एक्शन उनका? बहुत खतरनाक था। खतरनाक एकदम फाड़ू एकदम। अच्छा फाड़ू। तो आपको क्या लगता है बाहुबली को टक्कर दे पाएगी ये मूवी? ये मूवी देखने से ही पता चल जाएगा, एक्शन से तो हार लग रही है बहुत। प्रभास है, ही इज अ चैंपियन, उसका बाहुबली मूवी था, क्या अच्छी एक्टिंग किया है, पूरे गुजबम आ गए थे लिटरली मूवी देखने से के बाद, तो ऑब्वियसली हाँ हो सकता है, मतलब लेट्स सी अभी क्या होता है मेबी। आपको क्या लगता है कि साहू बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? साहू नो, बाहुबली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी साहू, नो नो। एक्शन में कुछ कमी लग रही है? एक्शन में हाँ एक्शन में कमी दिख रही है, मतलब और थोड़ा मतलब इंस्पिरेशन मूवी होना चाहिए, एक
एक्शन मूवी है, मतलब कुछ इंस्पिरेशन कुछ मैसेज मिलना चाहिए। मैंने उसका ट्रेलर देखा तो एक एक्शन मूवी दिख रहा है, ऐसा कुछ इंस्पिरेशन कुछ मैसेज मिल रहा होता तो दैट इज डिफरेंट। तो लोग आते भी मूवी देखने के, अभी एक्शन मूवी है तो जिनको एक्शन पसंद होगा वो जाएगा मूवी देखने के लिए, और जिनको नहीं पसंद होगा वो नहीं जाएगा। तो मैं भी डिपेंड करता है कि लेट्स सी अभी क्या होता है। तो आपको अक्षय, प्रभास और जॉन में से कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद? मुझे प्रभास। साहू का ट्रेलर देखा आपने? जी देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लाइक हॉलीवुड का ट्रेलर देख रहा हूँ मैं कोई एक्शन मूवी का। आपको एक्शन मूवी ज्यादा पसंद है? जी बहुत ज्यादा। और आपने साइको सैया सॉन्ग सुना है? हाँ सुना रिसेंटली। कैसा लगा आपको? ठीक था, पहला ही सॉन्ग अभी आया है उनका तो मुझे अच्छा लगा। प्रभास और श्रद्धा कपूर की जोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है गाने में, लुक भी माइंड ब्लोइंग लग रहा है। ये प्रभास ने आफ्टर बाहुबली के बहुत टाइम बाद उसने साहो निकाली है और उसमें थोड़ा लुक के ऊपर भी उसने काम किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभास और श्रद्धा कपूर। तो पहले प्रभास की मूवी है वो अक्षय और जॉन की मूवी के साथ क्लैश करने वाली थी 15 तारीख को, लेकिन अब वो शिफ्ट होकर 30 तारीख को शिफ्ट कर दी गई है। तो आपको क्या लगता है और गाना कैसा लगा आपको? गाना तो मैंने जैसे आपको भी बोला कि उन दोनों का अभी जो रिसेंटली मैंने 13 में जो गाना सुना बहुत अच्छा गाना है, जो कोरियोग्राफी जो सेट्स है जो ग्लैमर टाइप दिखाया है तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। वन टाइम वॉच मैंने देखा 2 या 3 बार गाना, बहुत अच्छा गाना है। साहू इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है ऐसा हमें सुनने में आया है, तो आपको क्या लगता है कि प्रभास जॉन और अक्षय दोनों को रिप्लेस कर देंगे एज अ बिगेस्ट एक्शन हीरो? जी आपकी बातों से मैं सहमत हूँ क्योंकि मैंने जब साहू का ट्रेलर देखा तो लाइक एक्सपेंडेबल जो एक मूवी है हॉलीवुड की एक्सपेंडेबल जहाँ पे सारे सितारे एक साथ काम करते वो मूवी को मैंने उसका मूवी का ट्रेलर देखा, देन आई एम वॉचिंग द साहू का ट्रेलर तो उसके जो अंदर एक्शन सीन्स है जो मतलब गाड़ियों का है जो फाइट सीन्स है जो डायलॉग्स उसने थोड़ा हल्का दिखाया है और उसकी बॉडी लाइक साउंड इफेक्ट पूरा जो कलर कलेक्शन है जो वीडियो शॉट्स है जो लोकेशन है बहुत बढ़िया लगी मुझे। उस ट्रेलर को देख के मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं कोई हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर देख रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। और आपने मिशन मंगल का ट्रेलर देखा? जी मैंने अभी रिसेंटली देखा, वो भी मैंने देख लिया मिशन मंगल का ट्रेलर जिसके अंदर अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा तापसी पन्नू और बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसके अंदर, तो वो ट्रेलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाटला हाउस? बाटला हाउस का सेम है जो जॉन, अब पता नहीं जॉन को क्या हुआ है, एक ही जॉनर में जा रहे कहाँ पे कॉमेडी कहाँ पे एक्शन। अब इसके पहले भी देखी थी हमने परमाणु उनकी, फिर और एक फिल्म आई थी जो मतलब एक टेरर बेस पे थी, अब जाके फिर और एक आ रही है बाटला हाउस। ठीक है उनके जॉनर के हिसाब से बहुत अच्छी बना रहे। आपको क्या लगता है कि साहू बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन कर पाएगी? साहू बॉक्स ऑफिस पे 600-700 करोड़ कमा लेगी। आपको लगता है बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी? नहीं 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 110% बोल रहा हूँ, बाहुबली का रिकॉर्ड तो कोई फिल्म नहीं करी आते 10 साल तक, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। अगर तोड़ेगी तो बाहुबली 3 ही तोड़ेगी उसका रिकॉर्ड। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच।